हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र लेखन में निमंत्रण पत्र लिखना सीखने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र लेखन करने जा रहे हैं, तो जल्दी से उसके नियम फिर से एक बार समझ लें। पहली महत्वपूर्ण चीज कि पूरा पत्र मार्जिन से सटाकर लिखना है। जहां पैराग्राफ यानी परिच्छेद बदलना होता है वहां पर एक पंक्ति छोड़ देनी चाहिए। मार्जिन से सटाक मतलब इस लाइन से सटाकर लिखना है। अगर आपको पैराग्राफ बदलना, परिच्छेद बदलना, तो आपको एक लाइन छोड़ देना है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि सबसे पहले जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक हमें डालनी चाहिए। फिर एक लाइन छोड़कर पत्र पाने वाले का ईमेल पता, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में ईमेल ही पता डाला जाता है पत्र पाने वाले का। पत्र पाने वाले का नाम और पता ऊपर नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे सब। जनरली अनौपचारिक पत्र में बच्चों से यही गलती होती है कि वो पत्र पाने वाले का नाम और पता सब डाल देते हैं। नहीं, केवल और केवल पत्र पाने वाले का ईमेल पता। मान लीजिए कि राहुल जोशी को पत्र लिखा गया है, तो पत्र पाने वाले राहुल जोशी हुए, तो उनका ईमेल यहाँ पे डाल दीजिए, rahul@gmail.com। पाने वाले का ईमेल पता लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए। फिर संबोधन लिखिए, जैसे कि प्रिय मित्र, उसके नीचे कॉमा लगा के, अल्पविराम लगा के अभिवादन लिखिए। सप्रेम नमस्कार, यह अभिवादन हुआ, पूर्ण विराम दीजिए। फिर मार्जिन से सटा के ही एक लाइन छोड़ दीजिए अभिवादन के बाद, और उसके बाद फिर आपका पहला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। एक लाइन अभिवादन के बाद छोड़ के पहला पैराग्राफ, जिसमें आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम हाल चाल पूछिए, दो ढाई लाइन में हो जाएगा। पहला पैराग्राफ होने के बाद एक पंक्ति फिर छोड़िए, फिर दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में ही पूरा पत्र लिखा जाता है कि आपने पत्र क्यों लिखा, क्या कारण था, आप अपने मित्र को बुला रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं, वो सारी चीजें विधिवत विस्तार में यहाँ लिखना है। साथ में ही अपने परिवार का भी हालचाल लिखना है, और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके माता पिता को नमस्कार प्रणाम, छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, ये आपको दूसरे भाग में लिखना है। यह 8-10 पंक्तियां होनी चाहिए। ध्यान यह रखेंगे कि अनौपचारिक पत्र केवल दो पैराग्राफ में होता है, औपचारिक पत्र तीन में होता है, अनौपचारिक पत्र में केवल दो पैराग्राफ ही करेंगे। दूसरा पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ, यहाँ पे एक पंक्ति फिर से छोड़ेंगे, और उसके बाद अगर लड़का है तो लिखेगा मार्जिन से सटा के तुम्हारा, लड़की है तो मार्जिन से सटा के लिखेगी तुम्हारी। उसके बाद मार्जिन से सटा कर जिसने पत्र लिखा है उस पत्र लिखने वाले का केवल नाम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम था रमेश तिवारी, तो यहाँ पे केवल उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे रमेश। उसके बाद में फिर मार्जिन से सटा कर हम पत्र लिखने वाले का पूरा नाम लिखेंगे, रमेश तिवारी। ये सब नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए केवल ये लिखना रहेगा यहाँ पे। इसके बाद मार्जिन से सटा के उसी के नीचे पत्र लिखने वाले का पता, पूरा पता लिखेंगे, लेकिन वह केवल दो पंक्तियों में ही होना चाहिए। दो पंक्ति के ऊपर गया तो गलत है। उसके ठीक नीचे पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, अंग्रेजी के, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर लिखना चाहिए। इतना लिखने पर हमारा अनौपचारिक पत्र पूरा हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न से ही हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, जैसे पत्र लिखने वाले का नाम व पता, कि पत्र किसने लिखा, उसका नाम क्या है। जहां पे प्रश्न में से होगा, से के पहले जो कुछ लिखा गया होगा, अगर वहां किसी का नाम आया, पता आया है, तो पत्र लिखने वाले का नाम होगा और पता होगा। ठीक इसी तरह से पत्र लिख पाने वाले का नाम, हमें उसके पते से कोई लेना देना नहीं है। नाम किस लिए चाहिए, ईमेल आईडी के लिए। से के बाद और को से पहले पत्र लिखने वाले का नाम हमें मिल जाएगा। ध्यान यह रखिए कि हमें अनौपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पता जरूरी नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि प्रश्न में आपको पत्र पाने वाले का नाम दिया रहे, उसका पता भी दिया रहे। यह भी हो सकता है कि पत्र पाने वाले का नाम और पता न दिया रहे।
अगर पत्र पाने वाले का नाम दिया है तो हमें नाम से ही काम है, अगर पत्र पाने वाले का नाम और पता दोनों दिया है तो हमें उसके पते की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। और तीसरी शर्त, अगर पत्र पाने वाले का ना नाम दिया है न पता दिया हुआ है तो वहां पे हम उसका नाम अपने मन से लिख लेंगे, कोई भी नाम तब हम लिख सकते हैं। हो सकता है कि पत्र पाने वाले का पता दिया रहे लेकिन नाम न दिया रहे, तो पते से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपने मन से उसका नाम नहीं दिया है तो हम नाम लिख लेंगे। पत्र लिखने का कारण, मतलब कि यह पत्र लिखने वाले ने क्यों लिखा, वह को के बाद और पत्र तक रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट, अनौपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पता नहीं लिखा जाता, यह बात मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे यही गलती करते हैं। यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादातर प्रायः प्रश्न में पत्र पाने वाले का पता नहीं दिया होता है। और ईमेल पता के लिए मैं बता दूं, ईमेल पता में ईमेल पता पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के नाम से अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से बनाना चाहिए। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पत्र सही बनेगा, मार्क भी मिलेगा। अब आइए अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मोहन मीना जोशी 5, एक अल्पविराम कामा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एक एक चीज को दर्शाते हैं। 5, सुमन श्रीमती शिवाजी नगर पुणे 4 से अभ्युदय नगर अंधेरी मुंबई में रहने वाले अपने मित्र सहेली नीरज निर्जा मोरे को अपने दादाजी के अमृत महोत्सव मतलब 75वीं वर्षगांठ, 75वां जन्म दिन है, 75 वर्ष के उसके दादाजी हो चुके हैं, के उपलक्ष में निमंत्रण देने हेतु पत्र लिखती है। अब यहाँ पे देखिए, से मिला आपको, से के पहले जो नाम है यह पत्र लिखने वाले का नाम है, से के पहले जो पता दिया है यह पत्र लिखने वाले का है। पत्र लिखने वाले का नाम कब लिखेंगे, पूरा पत्र लिखने के बाद तुम्हारा लिख के उसके नीचे पहले नाम लिखेंगे फिर पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद उसी के नीचे दो लाइन में हमें यहाँ तक का पता लिख देना है। जैसे एक लाइन में हमने लिख दिया 5 सुमन श्रीमती और दूसरी लाइन में दूसरी पंक्ति में शिवाजी नगर पुणे 4, इतना लिखने के बाद फिर यह पत्र लिखने वाले का नाम और पता हमें मिल गया से। अब से के बाद और जहाँ को आया होगा ठीक उसके पहले पत्र पाने वाले का नाम मिलेगा। हमें पत्र पाने वाले के पते से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, क्योंकि पत्र पाने वाले के पते से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभ्युदय नगर अंधेरी मुंबई में रहने वाले अपने मित्र सहेली नीरज निर्जा मोरे को के पहले से के बाद यहाँ पे पत्र पाने वाले का नाम क्या मिला, लड़कों के लिए नीरज मोरे, लड़कियों के लिए निर्जा मोरे, और इनका पता यह दिया हुआ है लेकिन इस पते से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मोहन मीना जोशी का नीरज निर्जा मोरे से क्या संबंध है, लड़कों के लिए मित्र लड़कियों के लिए सहेली, पत्र लिखा क्यों गया, अब वह देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको दिया हुआ है को के बाद पत्र तक मिलेगा, तो अपने दादाजी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में निमंत्रण देते हुए पत्र, मतलब कि मोहन मीना जोशी जो यहाँ पर रहते हैं पुणे में, उनके दादाजी का अमृत महोत्सव है यानी वे 75 वर्ष के हो गए हैं, इसके लिए उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा है, फंक्शन रखा है, उसमें अपने मित्र या सहेली निर्जा मोरे को इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए पत्र लिखा गया है। चलिए अब इस पत्र को हम लोग लिख करके देखते हैं। चलिए अब उसी आधार पर इस पत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो आपने देखा इनविटेशन लेटर निमंत्रण पत्र। सबसे पहले डेट लिखा गया यहाँ पे 4/5/2020।
आप यहाँ पे जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वही डेट डाल सकते हैं। फिर एक पंक्ति छोड़ के जिसने जिसे पत्र लिखा गया उसका ईमेल आईडी है यहाँ पे, आप इसमें उसके नाम से आगे यहाँ पे कुछ और जोड़ना चाहें आप डाल सकते हैं, gmail.com। एक लाइन छोड़कर संबोधन जैसे प्रिय मित्र, अल्प विराम, यहाँ पे नाम भी आप डाल सकते हैं जैसे प्रिय मित्र नीरज या प्रिय सहेली नीरजा, ये भी लिख सकते हैं अल्प विराम। फिर उसके नीचे अभिवादन, सप्रेम नमस्कार, पूर्ण विराम। एक पंक्ति छोड़कर पहला पैराग्राफ, इसमें भी पहला पैराग्राफ सेम टू सेम है जैसा पिछले में था। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और स्वस्थ हूँ, यहाँ पर अपनी कुशलता की बात जिसने पत्र लिखा है उसका। आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ होंगे, यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके कुशल क्षेम के बारे में आपने लिखा पहले पैराग्राफ में। फिर एक पंक्ति छोड़कर दूसरा पैराग्राफ और पूरा का पूरा पत्र मार्जिन से सटाते हैं, मार्जिन से सटा करके आपको लिखना है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको याद होगा से के बाद आपने लिखा है वहाँ पे कि को के बाद कि अपने दादाजी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में निमंत्रण देते हुए पत्र। तो यहाँ पे आप उसी लिए, आपके दादाजी 75 इयर्स के हो गए हैं, उनका बर्थडे है, इसके लिए इनविटेशन कार्ड आप भेज रहे हैं। तो शुरुआत इसकी ऐसे करेंगे, मित्र, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिय मित्र नीरज या प्रिय सहेली नीरजा, 10 मई को मेरे दादाजी की 75वीं वर्षगांठ है। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, वर्षगांठ मैंने बताया था जन्मदिन है। मेरा परिवार दादाजी के 75वें जन्मदिन को अमृत महोत्सव के नाम से मनाने जा रहा है, यानी ये अमृत महोत्सव जिसे आप कहते हैं प्लेटिनम जुबली के नाम से मनाने वाला है। यह कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पर ही संपन्न होगा। यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम मनाया जाने वाला है, क्यों मनाया जाने वाला है और कहाँ पर वह कार्यक्रम होगा उसका वर्णन आपको करना है। कौन कौन आ रहा है आगे उसको बताइए, किसको किसको इनवाइट किया, रिश्तेदार और मित्र मंडली यानी फ्रेंड्स को, सभी को इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया जा रहा है, इनवाइट सबको किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया है। अतः तुम्हें भी दादाजी के अमृत महोत्सव में निमंत्रित करते हुए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। आगे आप बताइए कि भाई सबको बुलाया गया है, तुमको भी इसीलिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, निमंत्रित कर रहा हूँ, तुम्हें भी आना है। अपने सभी मित्र आने वाले हैं, साथ में अभी उसके मन में ऐसी भावना पैदा कीजिए कि वो आए ही जरूर, नहीं तो बहाने कर सकता है कि सभी फ्रेंड सभी मित्र इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। फिर बताइए तुम्हें भी अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ आना है। तो कौन किसे आप साथ में ला सकते हैं, अकेले आना है कि परिवार के साथ, उसके बारे में आप बताइए। फिर सभी मित्र मिलकर खूब मजा करेंगे। तो यहाँ पे पता चला कि क्यों बुला रहा है वो, एक तो अमृत महोत्सव ऊपर चाहता है, मित्र आएंगे मिलकर के खूब आनंद लेंगे मजा करेंगे। मेरे दादाजी ने भी तुम्हें परिवार सहित आने के लिए कहा है। आगे यह भी बता दे रहा है कि मोहन या मीना जोशी कि मैं यह मेरे कहने पे नहीं है बल्कि मेरे ग्रैंड फादर भी तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ परिवार के साथ आने के लिए वो कह रहे हैं। प्रातः काल में क्या क्या कार्यक्रम होगा उसके बारे में बता दीजिए। प्रातः काल सुबह में पूजा पाठ होगी और रात में प्रीति भोज, प्रीति भोज जिसे स्नेह भोज भी कहते हैं या सहभोज कहते हैं, अर्थात सभी लोग मिलकर प्रेम से जब भोजन करते हैं उसे प्रीति भोज कहते हैं, खाना पीना, ओके डिनर। तो रात में खाना पीना भी है, पत्र के साथ निमंत्रण पत्रिका अर्थात इनविटेशन कार्ड भी भेज रहा हूँ, यानी ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कार्ड अलग से मतलब बहाना नहीं चलेगा, भेज रहा हूँ। माताजी पिताजी को चरण स्पर्श अर्थात जिसको लिखा है नीरज को पत्र लिखा गया उनके माताजी पिताजी को चरण स्पर्श यानी उनका अभिवादन किया गया है, व छोटे भाई बहनों को प्यार। ये दूसरा पैराग्राफ हमारा समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ समाप्त होने के बाद एक पंक्ति छोड़ देनी, एक लाइन छोड़नी जैसा यहाँ छोड़ा है, तुम्हारा प्रिय मित्र
या तुम्हारा मित्र व लिख के अल्प विराम, जिसने पत्र लिखा है उसका केवल नाम, पूरा नाम नहीं रहेगा, केवल नाम वो भी मार्जिन से सटा करके, फिर पूरा नाम मोहन जोशी अल्प विराम, फिर पता, किसका पता, पत्र लिखने वाले का पता, दो पंक्तियों में आप देखें प्रश्न से लिया गया, अपना नाम अपना पता नहीं लिखना है बल्कि प्रश्न से लेना है। तो मोहन जोशी पता है 5 अल्प विराम, यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न में मैंने कहा प्रश्न बहुत कुछ आपको बताता है, प्रश्न में यहाँ अल्प विराम लगाए गए रहेंगे तो ऐसे ही लिखना है। 5 सुमन श्रीमती अल्प विराम शिवाजी नगर पुणे 4, यहाँ पे 5 रूम नंबर, 5 गली नंबर, 5 मोहल्ला नंबर, 5 कुछ भी हो सकता है। सुमन श्रीमित उसकी बिल्डिंग का नाम, उसके घर का नाम हो सकता है, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम, ये पिन कोड हुआ। अब यहाँ पे अगर पिन कोड रहेगा तो अंग्रेजी का या मराठी का फुल स्टॉप लगेगा, डॉट लगाएंगे। पिन कोड नहीं होता तो पुणे के बाद हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप दे देते, फिर उसके नीचे वाली लाइन में ईमेल आईडी, जिसने पत्र लिखा उसका, पत्र लिखा मोहन ने तो mohan@gmail.com। इसी तरह से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा पत्र मार्जिन से सटा करके लेफ्ट साइड से लिखा गया है, पैराग्राफ चेंज करते समय यहाँ से नहीं यहीं से लिखा गया, आपको भी वैसे ही लिखना है। इस तरह का पत्र जो है, निमंत्रण पत्र, आप अपने बर्थडे पे किसी की इनवाइट कर रहे हैं तब कर सकते हैं, या आपने फ्लैट खरीदा है तब कर सकते हैं, या फिर बहन का विवाह है तब आप लिख सकते हैं। ओके।